बड़वानी जिले में सीएए के समर्थन में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर के लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में 100 मीटर का तिरंगा और नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में तख्तियां लेकर लोग यात्रा में शामिल हुए। विजय स्तंभ पर राष्ट्रगान के बाद समापन किया गया। देश भर में चल रहे सीएए नागरिक संशोधन बिल का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लंबे समय से समाज में सीएए के समर्थन की आवाज उठ रही थी। इसे मूर्त रूप देने के लिए भारत सुरक्षा मंच के माध्यम से जिले में रहने वाले समाजों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में संत समाज, व्यापारी एसोसिएशन और हजारों की संख्या में आम समाज हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर निकला। तख्तियों पर सीएए के समर्थन के नारे लिखे थे। विजय स्तंभ कारंजे पर संतों के सानिध्य में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के पश्चात रैली समाप्त हुई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भारत सुरक्षा मंच जिला बड़वानी की ओर से आज तिरंगा यात्रा पाटी नाका 52 रोड से इस बड़वानी जिले की तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई और विजय स्तंभ जो वीर शहीदों का स्मारक है, यहां पर आकर भारत रक्षा मंच के माध्यम से हमने यह वंदे मातरम और राष्ट्रगान का आयोजन रखा था। समर्थन की बात करें, कितने लोगों का समर्थन मिला और किस तरीके का आयोजन था, क्या क्या विशेषताएं थी? नागरिकता संशोधन एक जो नियम बन चुका है, उसके समर्थन में आज बड़वानी जिले में 20,000 की संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है और आप सब लोगों के सामने है। ये एक अनुमान है, ये संख्या 30,000 भी हो सकती है, 35,000 भी हो सकती है। एक कोना विजय स्तंभ के यहाँ था और दूसरा कोना पाटी नाका के ऊपर था। अपार जन समर्थन आज भारत रक्षा मंच को मिला है और पूरे जिले से जो भारत माता के सपूता है, जो राष्ट्रभक्त आए हैं, जिन्होंने नागरिकता संशोधन एक्ट का समर्थन किया, मैं आपके माध्यम से पूरे बड़वानी जिले के सभी राष्ट्रभक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका आभार मानता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।